कितने गाय हैं आपके पास? मेरे पास सिर्फ एक है। एक गाय है सिर्फ, यही एक है। तो ये देखें जी, ये है वो जगह जहाँ पे ये लोग को दूध तो यहाँ पे ही स्टोर करके रखते हैं। ये देखें दूध इसमें डाला जा चुका है। अभी इसमें से जो है लस्सी तैयार करेंगे और मक्खन निकालेंगे जी। अभी तो दोस्तों, पहाड़ों में लस्सी बनाने के लिए अभी भी पुराने तरीका है वो इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लस्सी तैयार किया जा रहा है, उसके साथ साथ मक्खन भी निकाला जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी अभी यहाँ पे गांव में न होने के बराबर है, इस वजह से यहाँ पे कोई लस्सी बनाने के लिए कोई मशीन का सिस्टम नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे अभी भी मशके में मक्खन तैयार करते हैं, लस्सी तैयार करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी आप देख सकते हैं इस ड्रम में जो है वो लस्सी तैयार करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें दूध डाला जा चुका है गाय का, और इसके साथ साथ पानी मिक्स किया जा चुका है। अभी इसको हिला रहे हैं। तो इस प्रोसेस को मुकम्मल होने में कितना वक़्त लगेगा, ये हम इन्हीं से पूछते हैं। तो आप जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे हर दिल अजीज़ चाचा जनाब सलमान चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे पूछते हैं, ये आप कितने मिनट तक इसे हिलाते रहेंगे? ये दो घंटे तक सर। अच्छा, दो घंटे तक ऐसे ही हिलाते रहेंगे? हाँ, दो घंटे तक इसको हिलाते हैं। अच्छा अच्छा, जब ये हिलाते हैं तो इसकी मखान जो है बहुत सख्ती आते हैं। अच्छा। इसमें पानी लस्सी इसमें नहीं रह जाते मखान में, वो साफ सुथरा होता है। अच्छा, अच्छा। इसलिए हम यही अच्छा अच्छा आपके गांव में सारे लोग को लस्सी मक्खन बनाने के लिए यही तरीका अख्तियार करते हैं? कुछ लोग यही इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अच्छा मशीन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मशीन से है अच्छा नहीं लगता है। हाँ। जो ज्यादा गर्मी होता है इसलिए मक्खन अच्छा वो नर्म होता है। अच्छा अच्छा। इसमें अगर इसका आगे का गोली तक इससे निकालेगा। पुराने जमाने में और अभी भी कुछ लोग यहाँ पे मशकीज़ें छाड़क्याल में नहीं बनाते, छाड़क्याल में जिसे मकामी जबान में छाड़क्याल कहते हैं दोस्तों, हाँ मशक, हाँ उसमें जो है वो लस्सी तैयार करते हैं। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है जी। अभी जो है वो तकरीबन लस्सी तैयार हो चुका है, अभी इसे निकालने के लिए साफ किया जा रहा है।
तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से मक्खन तैयार हो चुका है। ये क्यों करना पड़ता है? इसमें पानी नहीं रह जाता है। अच्छा, ये इसका जोर बस इस तरह का रहेगा। हाँ, तो इसमें लस्सी इसमें बीच में नहीं बहता। अच्छा अच्छा अच्छा, खालिस ये मक्खन रह जाता है, मक्खन होता है, इसमें पानी नहीं होता। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, इसीलिए इस तरह करना पड़ता है। ठीक तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी, इसे टेस्ट करके देखते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। खुश है तुझे? लेकिन दरबार में ताजा ताजा जो फसल है। तो ये देखते हैं जी, हम इधर देख रहे हैं सलमान चाचा के घर के बाहर, यहाँ पे सारे गांव वाले जमा हैं और यहाँ पे चावल पकाया जा रहा है और ये चावल जो है तैयार भी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी आ रहे हैं प्लेट्स लेकर चावल खाने के लिए। तो ये खुसूसी तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सलमान चाचा से पूछते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। ये देखें जी, यहाँ पे लोग बैठे हैं और यहाँ पे जो है चावल खा रहे हैं। तो सलमान चाचा हमें बताएंगे ये क्यों किया जा रहा है, इस वक्त सारे गांव वाले यहाँ पे जमा हैं। ये सफर की महीना है। हाँ, सफर का महीना है, सही बात। हाँ, सफर का। हाँ, आज के दिन पहला ये बुध है। बुध है। हाँ, इसलिए ये सबका देता है, सब लोग इकट्ठा होकर। हाँ, इधर चावल पकाते हैं। अच्छा, ये सबको इसको तासीम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नजराना देता है। नजराना देता है। ये सफर के महीने में हम बचा के रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए हमने इसको सदका देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये देखें दोस्तों, सलमान चाचा कह रहे हैं कि सफर का महीना जो है वो यहाँ पे ऐसा तसव्वुर किया जाता है कि वो सफर का जो महीना है वो इसे मतलब साफ साफ ज़बान में कहा जाए तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसमें सदका दिया जाता है और दो स्पेशल दुआ किया जाता है कि नागहानी आफात से वो जो है बच के रहें। तो इसलिए यहाँ पे ये खुसूसी एहतिमाम किया जा रहा है। तो ये देखें जी, एक और बात हमें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, सलमान चाचा जब यहाँ पे लस्सी बनाते हैं तो उनके जो मोहल्ले के लोग हैं वो लस्सी लेने के लिए आते हैं। ये देखिए, ये बच्चा लस्सी लेने के लिए आया है और सलमान चाचा इनको लस्सी दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी हमें। ये देखिए, बाल्टी बिल्कुल भर के दिया है सलमान चाचा ने, माशाल्लाह बहुत बड़ा दिल है जी सलमान चाचा का। आप जब लस्सी बनाते हैं तो सारे मोहल्लों को तकसीम कर देते हैं? हाँ, हाँ, अच्छा,
जो है इधर लस्सी लेने के लिए आते हैं उनको दे देते हैं, आते हैं उनको देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, यहाँ पे बास्केट बनाया जा रहा है। ये जो बास्केट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए काम आता है, खाद वगैरह लेके जाने के लिए और भी बहुत सारे कामों में ये इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे सलमान चाचा ये बास्केट बना रहे हैं। तो आप दिन में कितना बास्केट बना लेते हैं? सर एक बनाता है। एक बनाते हैं जी। ठीक ठीक। फिर उसके बाद बना के क्या करते हैं? ये दूसरे गांवों में हम फरोख्त करने के ले जाते हैं। अच्छा, दूसरे गांवों में फरोख्त करने के लिए लेके जाती है। ठीक ठीक ठीक। तो आप यही काम करते हैं, घर का गुजारा करने के लिए यही काम करते हैं? गुजारा यही पर हम गुजारा करते हैं। अच्छा, एक बास्केट की क्या कीमत है? इसका ज्यादा ज्यादा 600-700 रुपए मिलता है। 600-700 मिलते हैं। तो ये देखें जी, सलमान चाचा कह रहे हैं कि दिन में ये एक बास्केट तैयार करते हैं और एक बास्केट की कीमत जो है वो 600-700 रुपए मिल जाते हैं। और ये जो बास्केट है वो तैयार करने के बाद इसको दूसरे गांव विलेजेस ला ले कर जाकर उनको फरोख्त कर देते हैं।